गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस वन पार्ट पाँच। आप लोग सभी बच्चों को मालूम होगा कि घर में सभी लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है ना। पानी को संचित करते हैं क्योंकि पानी का हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है बच्चों। नहाने, खाना बनाने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने, सबके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी लोग अपने घर में पानी को संचित करके रखते हैं। तो किस में करते हैं संचित, देखिए नीचे बताया गया है। मटका है, ये भी मटका है, नीचे हंडा है, और नीचे क्या है बच्चों, टंकी है ना। ये सब में लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, हमें पानी का निरंतर आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता रहे इसके लिए उसे घर में संचित करके रखना पड़ता है। बहुत पहले पानी के संचयन के लिए पित्तल अथवा तांबे के हंडों, कलशों और मिट्टी के बने घड़ों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त घर घर में हौज, टंकियाँ भी बनाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में पानी का संचय करने के लिए लोग प्राय इस्पात तथा प्लास्टिक के बर्तनों और वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने सुन लिया, इतना पढ़ा देखा, टीचर ने पढ़ाया, आपने सुना कि किस किस में बर्तन में हम पानी को संचित करते हैं। आगे है बच्चों, देखिए पीने के लिए पानी जिसे कहते हैं पेयजल। पेयजल मतलब पीने के पानी। पीने के पानी को हमें कैसा स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी पीने का स्वच्छ और साफ सुथरा नहीं रहेगा तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए पानी का अहानिकारक होना आवश्यक है। यदि हम दूषित पानी पीते रहे तो उससे रोग होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए पीने तथा भोजन बनाने के लिए पानी का संचयन करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। देखिए बच्चों, पानी को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ देखिए हंडा रखा गया है, यहाँ मटका रखा गया है। तो हंडे में से कैसे पानी निकाला जा रहा है, बड़े कलछे से पानी निकाला जा रहा है कि वो पानी गंदा ना हो, साफ़ सुथरा रहे, और साफ पानी हाथ से कलछे से निकाल के फिर गिलास में लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसे ढक देते हैं। यहाँ मटके में नल लगा है, क्या लगा है बच्चों, नल। नल से पानी लेते हैं और मटके में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पानी क्या होता है, साफ़ और सुथरा रहता है। तो इसी प्रकार से बच्चे करने के, तो हमें पानी को स्वच्छ रखने के लिए ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, किसी बर्तन का पूरा पानी समाप्त हो जाए तब उसमें फिर से पानी भरने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर स्वच्छ करते हैं। जब हम ऐसी सावधानी रखते हैं तब पीने का पानी स्वच्छ बना रहता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, पानी बासी कभी नहीं होता। सब लोग सोचते हैं ना, पानी आज मैंने बाल्टी में रख दिया, ड्रम में रख दिया तो बासी हो गया। बासी पानी नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखिए घर में पिछले दिन भरकर रखा गया पानी कुछ लोग अगले दिन फेंक देते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर से बर्तन में पानी भरते हैं। उन्हें लगता है कि पानी बासी होता है, परंतु यह समझना पूर्णतः गलत बात है। पानी फेंकने का अर्थ है अच्छे पेय पानी को व्यर्थ करना, मतलब फालतू में पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यर्थ मतलब फालतू में गंवाना नहीं चाहिए। पानी गंदा हो जाए तथा पानी के अतिरिक्त दूसरे काम में उसका उपयोग करो। अगर पानी गंदा हो गया है तो उसका वो पानी का उपयोग कहीं और दूसरी जगह कर सकते हैं। पानी भरकर रखने के लिए इस्पात तथा प्लास्टिक के बर्तनों को लोग अधिक क्यों पसंद करने लगे हैं, जानते हो बच्चों। आज के समय में सभी लोग ज़्यादा करके इस्पात और प्लास्टिक के बर्तनों में ही पानी भरकर रखते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, यह प्रयोग है। ये क्या है बच्चों, प्रयोग है। इसमें क्या है प्रयोग में, एक व्यक्ति की सहायता से करो। प्लास्टिक की बर्तन लो, एक देखिए बर्तन है प्लास्टिक का, उसमें ऊपर क्या लगा है, उसके ऊपर सुंडाकार भाग को काट दो। सुंडाकार मतलब देखते हैं आप पानी का बॉटल, देखते हैं बड़े बड़े 10-10, 20-20 लीटर के पानी आते हैं बॉटल, उसका देखा है सुंडाकार होता है, तो उसको क्या कहा गया, उसको काट दो। सुंडाकार जो भाग को काट दो, उस बोतल में चारों ओर या तली से थोड़ा ऊपर चार छिद्र बनाओ, मतलब उसके अगल बगल में छिद्र कर दो, जिसे गुलाब प्रकार या किसी से छिद्र कर दो। आप एक खाली रिफिल लेकर उसके चार छोटे टुकड़े करो। ये टुकड़े बोतल के एक एक छेद में कसकर लगा दो। आप इस बोतल में पानी भरो, तुम्हें क्या दिखाई देता है, चारों छिद्रों में लगी रिफिलों से पानी बाहर आने लगता है। जब हम होल किए हैं, होल करने के कारण पानी भरा है डब्बे में,
टंकी में तो क्या होता है, वो पानी छिद्र से बाहर निकलने लगता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, नली की सहायता से किसी एक स्थान पर संग्रहित पानी विभिन्न स्थानों तक वितरित किया जा सकता है। मकानों और बड़ी इमारतों के छतों, आप लोग देखते हो बच्चों, गांव में भी बिल्डिंगों में भी ऊपर छत पर क्या करते हैं लोग, टंकियाँ, बड़े बड़े टंकी बनाते हैं, या सीमेंट के या प्लास्टिक के टंकियाँ रखते हैं ना, उसमें पानी भरते हैं और उसके द्वारा लोग सप्लाई सभी के घरों में करते हैं। क्या लगाकर, नल लगाते हैं, पाइप से सभी घरों में।